हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका मैजिकल हैंड में। और आज हम बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम आने वाली चीज बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं गैस के जो सिलेंडर बोतल है उसका कवर। तो उसके लिए हमें मैंने ये पर्दे का मोटा सा कपड़ा ले लिया है। और सबसे पहले हमें एक कागज में मैंने सिलेंडर बोतल का ड्रॉ कर लिया है, तो जिसमें इसकी लंबाई है 22 इंचिस और चौड़ाई है 42 इंचिस। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमें फोल्ड करना है यहां से 21 इंचिस तक। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारा हो गया फोल्ड। ये जो मैंने चौड़ाई 42 इंचिस ली है, जिसका नाप लिया था 40 इंचिस था, लेकिन स्टिच में जाएगा और जब हम उसको पहनाते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा है, तो इतना हमें 2 इंच ज्यादा रखना है। अब इसकी जो हम लंबाई ले रहे हैं वो 22 इंचिस है, तो यहाँ पे मैंने 22 इंचिस है तो इस पे यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, इसीलिए मैं 21 इंचिस पे मार्क करूंगी। आप तो अगर आपका यहाँ पे फोल्ड किया हुआ नहीं है तो आप 22 इंचिस पे मार्क करना। अब हमें कट कर लेना है यहां से और यहां से। अब मैंने ये ऐसा पार्ट कट कर लिया जो 23 बाय 11 इंचिस का है, तो यहां से हमें इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और फिर जो हमारा मेन पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर हमें 12 इंचिस पे हमें यहाँ पे स्टिच करना है और बीच में भी स्टिच करना है और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉकेट हो जाएंगे जिसमें हम जो गैस सिलेंडर बुक या कुछ भी है वो रख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है, यहाँ से यहाँ स्टिच किया है और ये 2 पॉकेट हो गए हमारे। अब देखिए हमारा यहाँ का जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। यहाँ का जो पार्ट है हमें उसको बनाना है, तो यहाँ से हमने नाप लिया है तो 8 इंचिस हो रहा है। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम नाप लें उसे 1 या 2 इंच ज्यादा रखें, क्योंकि लूज हो जाएगा तो फिर भी हम इसका कवर पहना सकते, लेकिन अगर टाइट हो जाएगा तो वो हम पहना नहीं सकते, तो स्टिच में जाएगा उतना ध्यान रखना है कि उतना ज्यादा रखना है, जो भी हम नाप लें उनसे 1 इंचिस या 2 इंचिस ज्यादा रखना है। तो यहाँ पे 8 इंचिस है और इसका जो राउंड का नाप है वो लिया है, चौड़ाई का नाप वो 27 इंचिस है। तो मैंने इस एक पार्ट कट कर लिया है जो 8 बाय 27 इंचिस है, तो इसको हमें क्या करना है, सेंटर में से कट करना है। ये जो पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ पे सेंटर में मार्क कर दीजिए और कट कर लीजिए। अब जिप को लेना है इसी की नाप से और यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है उसके बीच में हमें जिप को अटैच करना है, और इसको हमें ऐसे उल्टा रखना है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच करके ऐसे सीधे करके हमें प्रेस स्टिच देनी है। तो ये हमारी जिप अटैच हो गई है। अब हमें जो हमारा मेन पार्ट था उसको लेना है, ये जो नीचे का पार्ट था उसको लेना है, और ये इससे ज्यादा है तो हमें क्या करना है, यहां से इसको जोड़ना है, स्टिच करना है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा है हमें छोटी छोटी प्लेटें लेनी है इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से लेते जाना है और दोनों को हमें समान करना है। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है और ये अलग अलग से प्लेटें भर ली है। अब इसको हमें फोल्ड करना है ऐसे और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है लास्ट तक, यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है। अब आप देख सकती है कि हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ऊपर का जो है उसका हमें राउंड लेना है, तो इसको ऐसे रखना है 11 बाय 11 इंच का हमें ऐसा स्क्वायर में कट किया हुआ पार्ट लेना है
और ये जो हमारा ड्रॉ किया है ऊपर की ओर है जो हमारा सिलेंडर का, उसका राउंड का नाप लेना है। तो उसी के हिसाब से हमें इसको राउंड शेप दे रही हूं मैं। अब यहां से कट कर लेना है। तो ये हमारा राउंड कट गया है। अब हमें ये जो हमारा मेन पार्ट है उसको लेना है और उसको ऐसे रखना है और पूरे राउंड में हमें स्टिच करनी है। तो ये हमने राउंड को अटैच कर लिया है और हमें ये ऊपर का जो है वहां से नाप लेना है। तो ये हमारा राउंड हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने ये सीधा कर लिया है। तो अब हम सिलेंडर के ऊपर इसको पहनाएंगे। तो देखिए हमने ये पूरा कवर बोतल के ऊपर लगा दिया है। तो ये पूरा राउंड हमें यहाँ से नाप लेना है और अगर हमें यहाँ से कुछ भी निकालना है तो आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जिप को डाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।